अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील मुस्लिम बांधवांच्या वतीने पवित्र रमजान महिना व ईद होईपर्यंत कपडे, चपला बूट, शॉपिंग सेंटर हे दुकानं चालू न करण्याबाबतचे निवेदन जामनेर तहसील कार्यालयाचे तहसीलदार अरुण शेवाळे यांना देण्यात आले। कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर लागू करण्यात आलेल्या संचारबंदीमध्ये जीवनावश्यक वस्तूंव्यतिरिक्त कपडे, बूट, चपला, कॉस्मेटिक या दुकानांना देखील शासनामार्फत परवानगी देण्यात आली होती, परंतु या दुकानात गर्दी होऊन कोरोनाचा संसर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची शक्यता असल्याने आज मुस्लिम बांधवांनी ही दुकाने बंद ठेवण्याबाबतचे निवेदन दिले आहे। आज जो है हम यहाँ पर तहसीलदार साहब के पास आए हैं, उसका निमित्त ऐसा कि 4 तारीख से यानी कि 5 की सुबह से जो है तो मार्केट में हमारा जलगांव ज़िला ओपन करने के बारे में कलेक्टर साहब के आदेश आए थे कि कुछ दुकानों को, कुछ इस्टेब्लिशमेंट को छोड़ करके, मॉल्स के दुकानों को छोड़ करके बाकी सारी दुकानों को ओपन कर दिया जाए। ये ऐसा मौका है कि पिछले 1.5 महीने से 2 महीने से जो है तो ऑलमोस्ट लॉकडाउन चल रहा है और पूरे लोग जो है तो लॉकडाउन के अंदर अपने घरों में हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ओपन होने की वजह से एकदम जो है तो एक साथ मार्केट में पूरे भीड़ उमड़ आ गई और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से उसके अंदर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ऐसी दुकानें जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट जो है तो पूरा नहीं कर पाती है, सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार नहीं रख सकती और पब्लिक को एक दूसरे के करीब आने के ऊपर प्रवृत्त करती है, उनको एनकरेज करती हैं, ऐसी सारी दुकानों को जो है तो बंद कर दिया जाए, इसके एप्लीकेशन को लेकर के जो है तो इसके अर्जे को लेकर हम आज तहसीलदार साहब के पास आए हैं और उनको हमने इस बात के लिए जो है तो एक मांगनी की है कि ऐसी दुकानों को मजबूर किया जाए कि वो हर तरह से जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अगर वो मेंटेन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो है तो कानूनी कार्रवाई की जाए। मॉल्स के अंदर की दुकानें बंद की गई है, ठीक है, लेकिन इस वक्त में जामनेर शहर के अंदर ऐसी दुकानें हैं जिनकी दीवारें जो है तो कॉमन हैं, वो अगर एक मॉल की दुकान नहीं हुई तब भी एक मार्केट की दुकानें हैं और उनकी दुकानें कॉमन होने की वजह से उनके दरमियान में सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो कुदरती तौर पर एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसकी वजह से जो है तो लोग एक दूसरे के करीब में आ जा रहे हैं और एक दूसरे के करीब में आने के बाद ये ख़तरा COVID-19 का खतरा जो कि हमारे तालुके में आज तक कहीं पर भी नहीं है, ये बढ़ने का जो है तो बहुत चांस है। कुछ दुकानों के भलाई के लिए, कुछ दुकानदारों के भलाई के लिए अगर ये काम किया जाता है तो इससे पूरी इंसानियत को जो है तो हम रिस्क पर नहीं रख सकते और इस वक्त में थोड़ी मुश्किल बर्दाश्त कर लें, थोड़ी ज़रूरतों को अपने कम कर लें, लेकिन अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले, ये हमारा हेतु है। इसके अलावा एक और बात ऐसी सामने आई है कि यानी वाइन शॉप्स को जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ये करके मेंटेन करके ओपन करने का आदेश दे दिया गया सरकार की तरफ से। तो अभी सबसे पहला हमारी मांगनी ये है कि पहली बात तो वाइन शॉप्स के ओपन करने का और गवर्नमेंट के रिवेन्यू जनरेट करने के लिए उसको ओपन करना ज़रूरी समझने की ये बात हास्यास्पद है। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वाइन पीना, शराब पीना कब से जो है तो इंसानियत के फ़ायदे के लिए है, इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ आज तक है नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने ही की शर्त पर आपने वाइन शॉप्स को ओपन करने की परमिशन दी है तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के वादे पर जो है तो हमारे देवस्थान और मस्जिदों को भी ओपन कर दिया जाए, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, क्योंकि वाइन शॉप ओपन करना और मस्जिदों को और देवस्थानों को बंद रखना ये कॉन्सेप्ट किसी सूरत में भी जो है तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि वो राज ठाकरे जैसे भले इंसान के साथ भी जो है तो हिदायत का मामला करे। और तो आपने देखा और सारी जैसी तस्वीरें जो है तो इस वक्त में हमारे पास आ रही हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं कि एक एक लाइन में 2-2, 5-5 हज़ार लोग हैं जिनके पास जो है तो 1 इंच का भी डिस्टेंस नहीं है, एक दूसरे पर लंबे खड़े हैं वाइन शॉप्स के और शराब की दुकानों के सामने। और वैसे भी सोशल डिस्टेंसिंग के वादे के ऊपर अगर वाइन शॉप ओपन की जा रही है तो पी लेने के बाद इन सब चीज़ों को मानता कौन है?
देखा है लोगों ने कि इस वक्त में यानी कल के बाद से कितने हादसे हो चुके हैं, लोग किस तरीके से जो है तो नालियों में पड़े हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और घरों के अंदर उसके तमाशे हो रहे हैं, गली मोहल्ले में उसके जो है तो प्रतिसाद देखने को मिल रहे हैं। हमारे यहाँ पर जलगांव जिले के अंदर वाइन शॉप्स ओपन नहीं की गई, इस बात के लिए शुक्रिया, लेकिन महाराष्ट्र भर और देश भर के अंदर भी जो है तो वाइन शॉप्स को बंद कर दिया जाए या फिर देवस्थान और मस्जिदों को ओपन कर दिया जाए, ये हमारी मांगनी है। पुनः भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज, नमस्कार।